राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आयोजित की। इस रैली में देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और केंद्र सरकार की कथित महंगाई और बेरोजगारी नीति के खिलाफ हल्ला बोला गया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा सभी वरिष्ठ नेताओं ने रैली को संबोधित किया। इनमें संगठन महासचिव, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, AICC महासचिव जैसे पदों पर बैठे नेता शामिल हैं। लेकिन खास बात ये रही कि राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक सचिन पायलट को भी इस रैली को संबोधित करने का मौका दिया गया। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता है। वे राजस्थान पूर्व उप मुख्यमंत्री और PCC चीफ रह चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि वे फिलहाल सत्ता और संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण या खास पद पर काबिज नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तथा संगठन के प्रति वफादारी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान उनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही। लिया जा उन्हें महंगाई के खिलाफ आयोजित हल्ला बोल रैली को संबोधित करने का अवसर दिया गया। भले ही उन्हें 2020 में राजस्थान में सियासी संकट के समय सरकार को अस्थिर करने का दोषी माना गया और महीने तक सरकार बाड़ेबंदी में बंद रही, लेकिन पायलट के धैर्य रखने और कांग्रेस की प्रति वफादारी निभाने का कारण ही रहा कि रैली को संबोधित करने का मौका दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस रैली में राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले नेताओं में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ही संबोधित करने का मौका दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र पर तीखा हमला बोला। सचिन पायलट ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई से लोगों की कमर टूटी है। जब BJP विपक्ष में थी तो GST का विरोध करती थी, लेकिन आज हर चीज में GST लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार किसान विरोधी है। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।